Hello students, welcome back to my YouTube channel again. Today we will discuss about the topic that is the body fluid and circulation, which belongs to your physiology section of NCERT 11th book, right? Some of the concept of this particular chapter we will going to learn today, right? हाँ देखिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इसको कहा जाएगा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मैकेनिज्म, देखो क्या होता है. सपोज हमारे शरीर का एक हिस्सा है, हम लोग कंसिडर करते हैं कि चलो ये हमारा शरीर का एक हिस्सा है जिसको हम लोग कहेंगे लेग, राइट. अब यहाँ पे समझो कि इंजरी हो गई, यहाँ पे ब्लड वेसल है, ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ पे ब्लड वेसल है और यहाँ पे इंजरी होने के बाद यहाँ से ब्लड निकलने लग गया है ना, ठीक है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, ठीक है. अब जब ये ब्लीडिंग हो रहा है तो कोई तो मैकेनिज्म रहेगा जिससे वहां पे क्लॉट बनेगा, तो उस मैकेनिज्म को समझना है जिसके अंदर हमें कौन कौन हेल्प कर रहा है, हमारे शरीर का, हमारे ब्लड का जो कंटेंट है उसमें हमें कौन कौन हेल्प कर रहा है, इस चीज को हम लोगों को समझना है. देखो तो ये ब्लीडिंग स्टॉप होना चाहिए, दैट इज द थिंग, राइट, कि यहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप होना चाहिए. तो ये मैकेनिज्म कैसे होता है इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. देखो दो पाथवे होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे. इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब होता है कि जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर प्लेटलेट्स है, राइट, मतलब ब्लड सेल्स के अंदर प्लेटलेट्स है, बराबर है. तो जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स है दे आर गोइंग टू गेट डिसइंटीग्रेट एंड फॉर्म अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोप्लास्टिन. तो यहाँ पे जो इंट्रिंसिक पाथवे है तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि प्लाज्मा में ही ब्लड सेल्स सस्पेंडेड होते हैं, तो प्लाज्मा में प्लेटलेट्स है, कौन है प्लेटलेट्स गोइंग टू डिसइंटीग्रेट और उसके बाद वहां पे जो बनता है दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन. क्या बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, आपको याद क्या रखना है कि एक सोर्स है थ्रोम्बोप्लास्टिन का, एक सोर्स है, कहां पे सोर्स है, ब्लड के अंदर सोर्स है, वो सोर्स कौन है प्लेटलेट्स. बस इस बात को समझो कि हम लोग इंट्रिंसिक जब कह रहे हैं तो ब्लड वेसल्स के अंदर वाली बात है और एक्सट्रिंसिक जब हम लोग कहेंगे तो ब्लड वेसल के बाहर वाली बात है, ठीक है. तो एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर ब्लड वेसल्स के बाहर क्या होता है, टिश्यू होता है, तो इंज्योर्ड टिश्यू होता है. क्या होता है इंज्योर्ड टिश्यू. चलो कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उन लोगों को बता दूं मैं कि हम लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर में तीन बातों को समझना है, ब्लड, हार्ट एंड वेसल्स. थोड़ा यहाँ पे बात चल रही है फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स की, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का. यहाँ पे हमारे पास दो पाथवे हैं, एक है इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे. और इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब हो गया, अभी मैंने ब्लड वेसल बताई थी, ठीक है, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ. समझो कि ये ब्लड वेसल है और इसके आसपास के ये टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू है, यहाँ पे टिश्यू है और ये ब्लड वेसल है. तो यहाँ पे अगर मैं वेसल्स के अंदर जो पाथवे चल रहा है तो दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे, और वेसल के बाहर जो चल रहा है ब्लड वेसल के बाहर दैट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे. बस इसको बस ध्यान में रखना, ठीक है. अब देखो जो इंज्योर्ड टिश्यू है, इंज्योर्ड टिश्यू से हमें क्या मिलने वाला है, यहां से भी मिलने वाला है हमें थ्रोम्बोप्लास्टिन. क्या मिलने वाला है, जिसको बोला जाता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. देखो दो सोर्स है हमारे पास, ध्यान से समझो. आई होप कि ये सब कुछ कैमरा वगैरह सेट बराबर से हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा है सब कुछ, हाँ ठीक. देखो हमारे पास दो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, एक हमें प्लेटलेट से मिला है
और दूसरा हमें इंजर्ड टिश्यू से मिला है, दो थ्रोम्बोप्लास्टिन, बस इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। अब ये जो दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन है और साथ में कुछ अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो हमारे पास है विटामिन के, कौन है विटामिन के, साथ में हमारे पास है कैल्शियम आयंस। ब्लड में क्या होता है, कैल्शियम आयंस, दो बातों को मैं बोल रहा हूं, एक है विटामिन के, दूसरा है कैल्शियम आयन, और तीसरा वाला है अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या है, अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तीन बातें सिर्फ आप लोग सुनिए इस बात को, यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा, थोड़ा सा स्मॉल लेटर्स में लिखा है मैंने। तीन बातें देखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ साथ हमारे पास और तीन चीजें हैं, कौन सी देखिए, एक है विटामिन के, दूसरा वाला है कैल्शियम आयंस, ये भी रिक्वायर्ड है वहां पे, और तीसरा वाला है अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स। टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे ये जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है, थर्ड नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। तो अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती है, पर हमारे सिलेबस से कंसिडरेशन में हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग इस बात को समझेंगे कि यहाँ पे सिंपली हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिससे हमें पता चले कि क्लॉटिंग का मैकेनिज्म होता क्या है, ठीक है। बस इतना माइंड में रखना कि टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एरो के ऊपर, यहाँ पे लिखा है अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन से, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है और साथ में ये जो बाकी लोग है विटामिन के, कैल्शियम एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स, इनकी मदद से हमें यहाँ पे मिलेगा थ्रोम्बोकाइनेज। क्या मिलेगा, थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम हमें यहाँ पे मिला है, जिसको प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोला जाता है, प्रोथ्रोम्बिनेज। देखो समझो, हमें थ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का एक एंजाइम मिला है, दोनों भी सेम है अल्टरनेट नेम से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैमरा में नीचे नहीं दिखेगा, हाँ, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, आप लोग बस इतना ध्यान में रखना। चलो मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमें प्लेटलेट से और इंजर्ड टिश्यू से, इंजर्ड टिश्यू, ठीक है, प्लेटलेट से हमें थ्रोम्बोप्लास्टिन मिला, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और इंजर्ड टिश्यू से भी हमें थ्रोम्बोप्लास्टिन मिला, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, बस इसको याद रखना। अब इनके साथ में है विटामिन के और कैल्शियम आयंस प्लस अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। अभी मैंने बताया कि हमें क्या मिल रहा है, थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एक एंजाइम मिल रहा है, थ्रोम्बोकाइनेज, ये ब्लड के अंदर बन रहा है थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम, जहां पे इंजर्ड टिश्यू है वहां पे बन गया थ्रोम्बोकाइनेज नाम का, ब्लड के अंदर बन गया थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम, जिसको हम लोग प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोल सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज, ठीक है। अब ये जो है ये क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। ये इनएक्टिव है, ये भी ब्लड के अंदर होता है, हम लोगों ने देखा था, उसको एक्टिव कर दिया, समझो बात को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रोथ्रोम्बिनेज ने क्या कर दिया, प्रोथ्रोम्बिन विच इज इन इनएक्टिव फॉर्म इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म दैट इज थ्रोम्बिन, ठीक है। ये ब्लड के अंदर पहले से मौजूद था, हम लोगों ने देखा था प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होते हैं, तो उसके अंदर हमने देखा था कि प्रोथ्रोम्बिन है, हिपेरिन है, फाइब्रिनोजन है, ये सभी चीजें जो थे हम लोगों ने देखा था, राइट। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करता है, इट कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रीन, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है, हमने देखा था प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सभी ब्लड के अंदर होते हैं, और ये जो फाइब्रिनोजन है ये सोल्यूबल फॉर्म में है, किसमें है, सोल्यूबल फॉर्म में, ठीक है।
तो सोल्यूबल को ये जो थ्रोम्बिन होता है कन्वर्ट कर देता है इनसोल्यूबल में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? इनसोल्यूबल। सीधी सी बात है कि अगर कोई पाइप है, हम लोग पीयूसी पाइप की बात करते हैं, समझो एक पाइप है, पाइप में अगर कहीं पे छेद हो गया, तो छेद हो गया तो अगर वहां पे हम लोग कोई सोल्यूबल चीज को लगा दे जो पानी में डिजोल्व हो जाएगी, तो वो पाइप का जो छेद है वो बंद हो जाएगा क्या? नहीं होगा। सिंपल सी बात है, देखो हमने क्या कर दिया कि एक होल था वहां पे और वहां पे हमने सोप लगा दिया, तो सोप लगा दिया तो सोप तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएगा या तो वहां पे लगेगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो सोल्यूबल है वो चीज वहां पे हम लोगों के लिए पैकिंग मटेरियल जैसा काम नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, सोल्यूबल जो चीज है वो पैकिंग मटेरियल जैसा काम नहीं करेगा। हमको कैसी चीज चाहिए? इनसोल्यूबल चीज चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो कि फाइब्रिनोजेन को हमने फाइब्रीन में कन्वर्ट कर लिया, जो सोल्यूबल था उसको इनसोल्यूबल कर लिया, क्योंकि हमें वहां पे ब्लॉक क्रिएट करना है क्योंकि इंजरी हुई है टिश्यू की, ब्लड वेसल्स की। तो ये जो सोल्यूबल से इनसोल्यूबल में कन्वर्ट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? थ्रोम्बिन की वजह से हुआ है। किसकी वजह से? थ्रोम्बिन हैज कन्वर्टेड फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रीन। अब ये जो फाइब्रीन होता है, दीज आर इन फाइबरस फॉर्म। ये किस फॉर्म में होते हैं? फाइबर्स बन गए ये पहले सोल्यूबल था, अब क्या बन गया? फाइबर्स बन गए, बहुत सारे फाइबर्स मिल गए हम लोगों को। फाइब्रीन प्लस डेड आरबीसी, फाइब्रीन प्लस डेड आरबीसी, जो भी डेड आरबीसी है और जो फाइब्रीन है, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? वहां पे एक नेट बन जाएगा, जहां पे ब्रेक हुआ था वहां पे क्या बन जाएगा? एक नेट बन जाएगा। नेट के अंदर लॉज्ड कौन है, बीच में लॉज्ड कौन है? डेड आरबीसी। दोनों मिला के क्या बन जाएगा? उसको बोला जाता है क्लॉट। दोनों मिला के क्या बन जाएगा? क्लॉट बन जाएगा। यहां पे मैं नीचे लिख रहा हूं क्लॉट, अगर आपको ना भी दिखे तो देखो ऐसा लिखता हूं, फाइब्रीन प्लस डेड आरबीसी, फाइब्रीन प्लस डेड आरबीसी, यहां पे क्या बन गया? क्लॉट बन गया। और क्लॉट का मतलब ही होता है थ्रोम्बस। क्या मतलब होता है? थ्रोम्बस। और ये क्या हो गया, देखो मैं फिर से बताता हूं। समझो कि यहां पे ये ब्लड वेसल है, समझो कि यहां पे ये ब्लड वेसल है और यहां पे छेद हो गया है ना, ब्लड वेसल में यहां पे छेद हो गया, आप लोग देख रहे हो, और ब्लड जो है वो ब्लड यहां से निकल रहा है, ब्लड यहां से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो गया, ये फाइबर्स मिल गए हमें, तो ये फाइबर्स ने क्या बना लिया, यहां पे नेट बना लिया। क्या बना लिया? नेट। अब ये जो नेट है, उन नेट के अंदर क्या हो गया, इधर क्या हो जाएगा, इस तरीके से डेड आरबीसी लॉज्ड हो जाएंगे, डेड आरबीसी लॉज्ड हो गए नेट के अंदर, डेड आरबीसी लॉज हो गए। और नेट किससे बनाया था? फाइब्रीन नाम के फाइबर्स ने बनाया था, इलोंगेटेड फाइबर स्ट्रक्चर, दैट इज फाइब्रीन। और जिससे क्या हो गया, ये जो ब्लड वेसल का जो छेद हो गया था वो क्या हो गया, बंद हो गया, तो इसकी वजह से यहां से ब्लीडिंग नहीं होगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये वाला जो फैक्टर है इसको फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं, फाइब्रिनोजन को। ये प्रोथ्रोम्बिन जो है सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर है, दैट इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। देखो फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर है, थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर थ्रोम्बोकाइनेज है। ठीक है, अब फिर से एक बार इस बात को थोड़ा सा देख लो ऊपर से नीचे तक, प्लीज पे अटेंशन। देखो हम लोग देख रहे हैं फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय द प्लेटलेट्स, दैट इज नथिंग बट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, इसी को बोला जाता है कोएगुलेशन। यहां पे लिख रहा हूं मैं कोएगुलेशन, इसी को बोला जाता है कोएगुलेशन, ध्यान में रखना इसको, इसी को कोएगुलेशन बोला जाता है और इसी को बोला जाता है क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो ब्लड के अंदर, फिर से देखो यहां पे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स थे, प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट हो गए और क्या बन गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। क्या बन गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और इंजर्ड टिश्यू जो था, इंजर्ड टिश्यू से भी हमें एक सोर्स मिला, दैट इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, इसको बोला जाता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन साथ में ये लोग, दैट इज विटामिन के, कैल्शियम एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स, टुगेदरली दे मैन्युफैक्चर वन एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोकाइनेज। उसको क्या बोला जाएगा? थ्रोम्बोकाइनेज। उसी को बोला जाएगा प्रोथ्रोम्बिनेज। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, ये क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है, उसको एक्टिव में कर लिया थ्रोम्बिन। ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रीन में, इट विल कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रीन। फाइब्रिनोजन इज सोल्यूबल फॉर्म,
ऑफ प्रोटीन, अभी इसको कन्वर्ट कर दिया इनसोल्यूबल प्रोटीन में, दैट इज फाइब्रस प्रोटीन, दैट इज फाइब्रीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइब्रीन इज फाइब्रस प्रोटीन, फाइबर फाइब्रीन प्लस डेड आरबीसीज टुगेदरली फॉर्म ए क्लॉट, क्लॉट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बस, है ना, जहां पे हम लोग एक थोड़ा सा ब्राउन कलर का एक हम लोग ऐसा लॉज्ड ऐसा स्कैप देखते हैं, स्कैप जो कहीं पे भी हमें जहां पे इंजुरी होगी ब्लड निकल रहा है वहां पे एक स्कैप बन जाता है ब्राउन कलर का, दैट स्कैप इज नथिंग बट व्हाट, थ्रोम्बस और क्लॉट, उसी को बोलते हैं थ्रोम्बस और क्लॉट। सो दिस इज ऑल मैकेनिज्म ऑफ द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, आई होप कि एवरीवन इज अंडरस्टूड, एवरीवन अंडरस्टूड। चलो शुड आई रख दिस ऑल, हाँ बोलो बेटा, आई कैंट हियर यू प्रॉपरली, साउंड इज ब्रेकिंग बेटा, हेलो चलो बेटा हम लोग क्या करते हैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम है ना, 4 बजे हम लोग थोड़ा सा डाउट को सॉल्व करते हैं, इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज कनेक्ट एट द 4 PM, ओके। हाँ अब आ रही है आवाज, समवन इज सेइंग दैट साउंड इज ब्रेकिंग, सी द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑल अबाउट, देखो हम लोग कह रहे थे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात चल रही है, है ना, किसकी बात चल रही है, कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम, जिसमें तीन बातें आती हैं, फिर से बोलो ना, तीन बातें आती हैं जो आप लोगों को पता चल रही है, दैट इज ब्लड हार्ट एंड वेसल्स, ब्लड हार्ट एंड वेसल्स। ब्लड को हम लोगों ने समझ लिया आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स उनके फंक्शन, उसके बाद आता है सेकेंड कंसेप्ट दैट इज द ब्यूटीफुल ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज हार्ट। चलो हार्ट को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग कहेंगे लोकेशन ऑफ द हार्ट, लोकेशन ऑफ हार्ट, हार्ट होता कहाँ पे है, हार्ट इज लोकेटेड इन बिटवीन द टू लंग्स, इन बिटवीन द टू लंग्स इन द मीडियास्टिनल कैविटी ऑफ द चेस्ट, इन द मीडियास्टिनल कैविटी ऑफ द चेस्ट और थोरेसिक कैविटी, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द टू लंग्स दैट इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनल कैविटी, मीडियास्टिनल कैविटी, ठीक है, कहां पे होता है हार्ट, मीडियास्टिनल कैविटी में होता है। उसके बाद ये किसकी कैविटी है, ये थोरेसिक कैविटी के अंदर मीडियास्टिनल कैविटी है, दैट इज द स्पेस इन बिटवीन द टू लंग्स जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम, आपके यहां पे एक बोन होता है उसको बोला जाता है स्टर्नम, तो स्टर्नम के जस्ट पीछे होता है मीडियास्टिनल कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स अबव द डायफ्रैगम, नीचे एक डायफ्रैगमेटिक मसल है उसके ऊपर वो लोकेटेड होता है हार्ट, ठीक है, मीडियास्टिनल कैविटी थोरेसिक हम लोग कहेंगे मीडियास्टिनल, हम लोग इसको मीडियास्टिनल रीजन कहते हैं, तो फिर हम लोग इसको कैविटी बोल पाएंगे, थोरेसिक कैविटी में मीडियास्टिनल रीजन होता है इन बिटवीन टू लंग्स, इन बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में होता है, राइट। उसके बाद जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम, जस्ट बिहाइंड स्टर्नम, और लास्ट दैट इज अबाउ द डायफ्रैगम, अबाउ द डायफ्रैगम। देखो हम लोग लोकेशन ऑफ हार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले ये ऑर्गन जो है इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है ना, जो ऑर्गन है, साउंड का इश्यू आ रहा है, मैसेज कर रहे सब लोग, हेलो हेलो, देखो इट इज एन हॉलो मस्क्यूलर कोन शेप ऑर्गन, यहां पे लिख रहा हूं मैं हॉलो मस्क्यूलर कोन शेप ऑर्गन, हॉलो मस्क्यूलर
एंड कोन शेप, कोन शेप मतलब इस तरीके से ये कोन शेप ऑर्गन होता है। देखो हॉलो मस्क्यूलर कोन शेप ऑर्गन विच इज लोकेटेड इन बिटवीन द टू लंग्स, कहां पे लोकेटेड होता है, टू लंग्स के बीच में। देखो यहां पे लिखा है मैंने इट इज लोकेटेड इन बिटवीन द टू लंग्स जस्ट अबाउ द डायफ्रेगम। हमको पता है हमारी जो ट्रंक कैविटी होती है, ट्रंक कैविटी उसको डिवाइड करने वाला एक डायफ्रेगमेटिक मसल होता है। हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो हॉलो मस्क्यूलर कोन शेप ऑर्गन की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो दैट इज रफली ऑफ क्लोज फिंच, जो फिस्ट होता है हमारा क्लोज फिस्ट के साइज का इतना होता है। देखो समझो हम लोग इस तरीके से हमारा फिंगर्स को क्लोज करते हैं तो ये जो साइज बन गया दैट इज द साइज ऑफ माय हार्ट। मतलब हर बंदे का जो हार्ट होता है अगर वो फिंगर्स को क्लोज कर दे और जो बन जाता है फिस्ट उसके एग्जैक्टली क्लेंच फिस्ट के साइज का उसका हार्ट होता है विच इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी, विच इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। ध्यान से समझो बात को। देखो हम लोग एक डायग्राम निकाल के इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है इंक की वजह से। देखो यहाँ पे समझो कि ये एक, समझो कि ये क्या है, एक इंसान है, ट्राइगोनिस्ट है, लग रहा है इंसान। देखो यहां से आएगा इस तरीके से ट्रकिया आएगा, ट्रकिया आएगा और यहां पे इस तरीके से रहेंगे लंग्स, क्या रहेगा लंग्स, ठीक है समझो है ना। यहां पे साउंड को म्यूट करो बेटा, अपनी साउंड को म्यूट करो, आवाज आ रही है। देखो यहां पे क्या है लंग्स है, ठीक है। अब यहां पे इस तरीके से डायफ्रैगम होता है, क्या होता है डायफ्रैगम विच डिवाइड्स योर ट्रंक कैविटी इनटू टू कैविटीज। एक हो गया ये है थोरेसिक कैविटी, ये है एब्डोमिनल कैविटी, इसके नीचे जो है एब्डोमिनल कैविटी है। यहां पे एक डायफ्रैगमेटिक मसल होता है, पार्टीशन के जैसे काम करता है, पार्टीशन के जैसे उसने डिवाइड कर दिया आपकी कैविटी को, ऊपर वाला थोरेसिक कैविटी नीचे वाला एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब यहां पे आप लोग देखो कि ये लंग्स है, राइट लंग एंड। हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना ना भूले और बेल आइकॉन को जरूर दबाए, उससे आपको मेरे वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।